Hello students, hope you all are doing well. So in today's lecture we will learn about some example, which is first is conversion of infix to postfix into tabular form, to convert the string into the prefix, and evolution of the expression showing every status of stack into a tabular form. So let's see this all one by one. So here we can see one form, which is a plus b plus into c divide by d minus e plus f by g by opening bracket h plus I closing bracket and closing bracket, right? So now फर्स्ट क्या होगा, अभी स्टैक में हम क्या करेंगे, एक ओपनिंग ब्रैकेट वहाँ पे ऐड करेंगे, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया. अब सेकंड यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ओपनिंग ब्रैकेट है, राइट. सो हम यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट ऐड कर दिया, तो स्टैक के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट ऐड हो गया. अभी यहाँ पे फॉर्म में हम देख सकते हैं कि दूसरा क्या है, ए है पहला. जब ये इनफिक्स स्ट्रिंग है, जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन वो स्कैन होगा, सो अभी पहला क्या है, ए है, ठीक है. सो यहाँ पे हमने दूसरा एक ब्रैकेट ऑलरेडी ऐड है, ठीक है. अभी क्या है, प्लस है, यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा. अभी क्या है, प्लस है. अभी उस क्या मिला, वो एक ऑपरेंड मिला, ठीक है, और सॉरी ऑपरेटर मिला. तो ये ऑपरेटर क्या है, उसकी वैल्यू ए की वैल्यू से कम है, उसकी वैल्यू ए की प्रेसिडेंस वैल्यू से कम है. तो अभी क्या होगा, ए यहाँ पे पॉलिश स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, अभी बी है, ठीक है. अभी क्या होगा, ये अगर ऑपरेटर है तो ये स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा गया स्टैक में बी में. अभी क्या मिला, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. अभी मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा, और बी है वो पॉप हो जाएगा, और कहाँ पे सेट हो जाएगा, पॉलिश नोटेशन पे. क्यों, क्योंकि बी की प्रेसिडेंस वैल्यू मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है. नेक्स्ट है सी, तो ये क्या हो गया, स्टैक के अंदर ऐड हो गया. अभी ए बी एज इट इज़ रह गए. अभी क्या है, डिवीज़न, ठीक है. तो अभी क्या होगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है. क्यों, क्योंकि जो डिवीज़न साइन है उसका, उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू सी की प्रेसिडेंस वैल्यू से कम है, ठीक है. तो अभी क्या होगा, उसके एंटर होते ही जो भी स्टैक के अंदर पहला ऑपरेटर और पहला जो ऑपरेंड होगा वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो पॉप हो जाएगा, यानी कि पॉलिश स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा. अभी नेक्स्ट कौन सा है, डी है, ठीक है. तो अभी क्या होगा, ये है ऑपरेंड, तो ये क्या होगा, स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है. ए बी सी स्टार एज इट इज़ रहेगा. नेक्स्ट क्या है, डैश, ठीक है. अभी ये क्या है, माइनस, सॉरी ये माइनस है. अभी डी जो है उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू माइनस से ज़्यादा है, तो अभी क्या होगा, डी है पॉप हो जाएगा, उसके साथ भी क्या पॉप हो जाएगा, डिवीज़न एंड प्लस साइन. क्यों, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस वैल्यू कम है, सो स्टैक के अंदर जो भी जो अभी एलिमेंट्स है वो पॉप हो जाएंगे. नेक्स्ट इज़ ई, राइट. सो अभी क्या होगा, ई है वो क्या है, एक वेरिएबल है, वो एक ऑपरेंड है, तो क्या हो जाएगा, वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा. तो हमको यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा ये. अभी नेक्स्ट क्या है, प्लस है. अब ये प्लस है, उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू ई की प्रेसिडेंस वैल्यू से कम है, तो अभी क्या होगा, स्टैक के अंदर जो भी अभी उसके
एंटर होते ही, प्लस के एंटर होते ही वैल्यू है वो पुश हो जाए, पॉप हो जाएंगी. सो ई एंड माइनस कहाँ पे रिवर्स पॉलिश नोटेशन में ऐड हो जाएंगे. नेक्स्ट इज एफ. एफ क्या है? ऑपरेंड है तो वो स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा. अभी क्या आएगा? डिवीज़न. अब डिवीज़न के प्रेसिडेंस वैल्यू एफ से कम ही है तो क्या होगा? वो स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा और उसके ज़्यादा प्रेसिडेंस वाली वैल्यू जो भी है वो कहाँ पे, यहाँ पे ऐड हो जाएगी. नेक्स्ट इज जी. सो जी क्या है? अभी एक ऑपरेंड है, एक वेरिएबल है, ठीक है, तो वो स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा. नाउ अभी फिर से डिवीज़न आया तो उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू जी से कम है. सो अभी क्या होगा? इससे कम प्रेसिडेंस जो, जिसकी भी ज़्यादा प्रेसिडेंस वैल्यू है वो सारे पॉप हो जाएंगे स्टैक में से, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट इज ओपनिंग ब्रैकेट. ठीक है, अब ये लेफ्ट पैरेंथेसिस हमको मिला तो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस क्या होगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ठीक है, और इसकी लेफ्ट पैरेंथेसिस की वैल्यू सबसे कम है, राइट पैरेंथेसिस की वैल्यू, प्रेसिडेंस वैल्यू हायर है सबसे. अभी एच आया, ये क्या है? एक ऑपरेंड है तो ये क्या हो जाएगा? स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा. नाउ प्लस, अभी इसकी प्रेसिडेंस वैल्यू एच से कम है सो अभी ये स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा और एच है वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू हायर है. सो ये एंटर, प्लस स्टैक में एंटर होते ही उस, वो पुश होते ही जो भी उसके हायर प्रेसिडेंस वाली वैल्यू है वो पॉप हो जाएगी. नाउ आई. सो अभी आई क्या है? एक ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेंड है, तो ये एंटर हो गया स्टैक में. अभी क्या आया? राइट पैरेंथेसिस. राइट पैरेंथेसिस का मतलब क्या है? जो भी अंदर, अभी स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे पॉप हो जाएंगे और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, अभी सो ये यहाँ पे प्लस है वो यहाँ पे ऐड हो गया. ठीक है, अभी कौन सा है? फिर से एक राइट पैरेंथेसिस है. सो अभी क्या होगा? उससे लोअर प्रेसिडेंस वाली जो भी वैल्यूज है वो सभी यहाँ पे चली जाएगी. ठीक है, और बचा फिर से राइट पैरेंथेसिस, यानी कि अभी तो कुछ भी है नहीं, यानी कि सभी ऐड हो चुका है. सो प्रोसेस कंप्लीट हो गई और हमको इसका रिवर्स पॉलिश नोटेशन यहाँ पे मिल गया, यानी कि हमको उसका पोस्टफिक्स फॉर्म मिल गया है यहाँ पे. नाउ अभी क्या होगा? सेकंड एग्जांपल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इनटू द प्रीफिक्स. सो स्ट्रिंग कौन सी है यहाँ पे? ए माइनस बी अपॉन सी इनटू डी, ये हायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनटू ई. सो पहले क्या होगा? रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन. सो नाउ पहले क्या होगा? इस जो ये जो भी ये स्ट्रिंग है इसको पूरा रिवर्स करना है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले पीछे से हम स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग को पूरा हमको रिवर्स करना है, तो ये रिवर्स फॉर्म है उसका. अब क्या होगा? कन्वर्ट राइट पैरेंथेसिस टू लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस टू राइट पैरेंथेसिस एंड अपेंड एक्स्ट्रा राइट पैरेंथेसिस एट लास्ट. मीन्स यहाँ पे जो लेफ्ट, ये जो भी ब्रैकेट्स है उसको हम उल्टा कर देंगे, लेफ्ट ब्रैकेट को राइट ब्रैकेट कर देंगे और राइट ब्रैकेट को लेफ्ट ब्रैकेट कर देंगे, तो हमको ये फॉर्म मिलेगा. नाउ कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू पोस्टफिक्स्ड. अभी ये जो भी स्ट्रिंग है हमको मिली लास्ट में उसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे. सो ये उसका टेब्यूलर फॉर्म है. अभी पोस्टफिक्स में क्या होता है? ऑपरेंड पहले आते हैं, ऑपरेटर्स बाद में आते हैं. सो स्टैक में पहले टॉप लेवल पे अभी एंटर कर दिया हमने और लेफ्ट पैरेंथेसिस. अभी क्या होगा? पहले क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं,
लेफ्ट पैरेंथीसीज है, तो ये यहाँ पे ऐड हुआ, स्टैक के अंदर एंट्री हुई उसकी। अब क्या है दूसरा, ई है, सो ई यहाँ पे हुआ एंटर, ठीक है। वो क्या है, एक ऑपरेंड है तो वो डायरेक्ट स्टैक में एंटर हो जाएगा। अभी क्या है, हायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो उसकी वैल्यू ई से तो कम ही है प्रिसिडेंस वैल्यू, तो ई क्या होगा, पॉप हो जाएगा और ये यहाँ पे एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेफ्ट पैरेंथीसिस, राइट, सो ये यहाँ पे स्टैक पे ऐड हो जाएगा। अभी अभी का क्या है, डी है, डी क्या है, एक ऑपरेंड है तो वो स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन, अभी मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस वैल्यू डी से कम है, सो हायर प्रेसिडेंस वाली वैल्यू पॉप हो जाएगी, लोअर प्रेसिडेंस वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी स्टैक में। तो यहाँ पे ये ऐड हो गई, डी यहाँ पे ऐड हो गया। अब बारी है सी की, सी क्या है, ऑपरेंड है तो ये क्या हो गया, स्टैक के अंदर एंटर हो गया, ठीक है, ई डी एज इट इज़ रहेगा। अभी क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, राइट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट अगर ऐड हो गया मीन्स अभी जो भी उससे लोअर प्रेसिडेंस वाली वैल्यू है वो सभी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट की वैल्यू हायर प्रेसिडेंस है बट वो ऑपरेटर से तो कम ही है, सो अभी ये जब भी राइट पैरेंथेसिस आएगा मतलब कि एंड ऑफ द वन नोटेशन, राइट, सो यहाँ से सी एंड स्टार हैं वो पॉप हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अभी फिर से है राइट पैरेंथेसिस, तो फिर से अभी उससे लोअर प्रेसिडेंस वाली वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। अभी डिवीजन साइन है सो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, बी है, सो बी भी स्टैक के अंदर ऐड हो गया। अभी क्या है, माइनस, अभी माइनस की प्रेसिडेंस वैल्यू बी की प्रेसिडेंस वैल्यू से कम है, सो बी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा और डिवीजन भी पॉप हो जाएगा और यहाँ पे एंटर होगा माइनस। अभी क्या आएगा, ए, ए ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अभी क्या है, राइट पैरेंथेसिस वापस से आ गया यानी कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग, सो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया प्रीफिक्स, स्ट्रिंग का प्रीफिक्स फॉर्म हमको मिल गया, ए डी सी, मल्टीप्लिकेशन, हायर एक्सपोनेंशियल, बी, डिवीजन, ए, माइनस। नाउ इवेल्यूएशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोइंग एवरी स्टेटस ऑफ स्टैक इन टेब्यूलर फॉर्म। अभी कौन सा एक्सप्रेशन है ये, 546 प्लस मल्टीप्लिकेशन 493 इंटू अपॉन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। सो हम क्या करेंगे, ये इवेल्यूएशन है किसका, स्टैक का इन द टेब्यूलर फॉर्म। सो अभी क्या है, स्टैक एम्प्टी है, रीड एंड पुश ऑपरेंड्स यानी कि पहले जो भी ऑपरेंड्स है उसको हम स्टैक में पुश करेंगे। सो पहले क्या आएगा, 5 देन 4 देन 6। नाउ रीड ऑपरेटर प्लस यानी कि अभी नेक्स्ट कौन सा मिला हमको, प्लस मिला, ये एक ऑपरेटर है। अगर हमको ऑपरेटर मिलता है तो क्या करना है, स्टैक के अंदर से पहले जो ऑपरेंड्स है उसको पॉप करना है। तो हमने कौन सा, ये 6 एंड 4 उसको पॉप कर दिया, ठीक है, और उसके बीच में हमको कौन सा मिला, अभी ऑपरेटर कौन सा है, प्लस, तो एडिशन होगा उसके बीच में यानी कि ऑपरेंड 1 6 एंड ऑपरेंड 4, ऑपरेंड 2 is 4 और उसके बीच में क्या होगा, प्लस यानी कि एडिशन होगा। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 10। तो 10 हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। अभी स्टैक के अंदर वैल्यू कौन सी है, 5 and 10। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेशन, रीड ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, पॉप टू वैल्यूज फ्रॉम द स्टैक, ऑपरेंड 2 is 10 एंड ऑपरेंड 1 is 5 एंड अप्लाई मल्टीप्लिकेशन,
बिटवीन ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू. सो ऑपरेंड वन 5 है, ऑपरेंड टू है 10. उसके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा. मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50. ये स्टैक में पुश हो गया. अभी रीड एंड पुश ऑपरेंड्स 4, 9, 3. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गया. अब उसके बाद में क्या है यहाँ पे? 4, 9 एंड 3. सो 50 एज इट इज़ रह गए यहाँ पे और 4, 9 एंड 3 ऐड हो गए, राइट. अभी नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे? डिवीज़न, ठीक है. सो अभी क्या होगा? रीड ऑपरेटर डिवीज़न पॉप टू वैल्यूज़ फ्रॉम द स्टैक. अगर हमको कोई ऑपरेटर मिलता है तो ऑपरेटर यहाँ पे हमको कौन सा मिला? डिवीज़न पे. सो क्या होगा? फिर से स्टैक में से दो वैल्यू हमको पुश पॉप करेंगे, उसके बीच में जो ऑपरेटर फाउंड हुआ है उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो भी वैल्यू हमको मिलेगी वो यहाँ पे नेक्स्ट स्टैक में ऐड होगी. सो यहाँ पे डिवीज़न है तो पॉप टू वैल्यूज़ फ्रॉम द स्टैक. ऑपरेंड टू इज़ 3, ऑपरेंड वन इज़ 9. अभी क्या होगा? 9/3 क्या होगा? 3. 9/3, 9/3, तो आंसर क्या मिलेगा? 3. तो ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा? यहाँ पे आंसर यहाँ पे ऐड हो गया. 4 एंड 5, 50 तो एज इट इज़ रहेगा. नाउ अभी कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पे? प्लस. फिर से हमको एक ऑपरेटर मिला तो फिर से हमको स्टैक में से दो वैल्यू पॉप करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी. सो कौन सी वैल्यू निकलेगी अभी? 3 एंड 4. सो ऑपरेंड 2 इज 3, ऑपरेंड 1 इज 4. एंड अभी हमको ऑपरेटर कौन सा मिला? प्लस. तो उसके बीच में एडिशन होगा. सो 3 + 4 इज इक्वल टू 7. 50 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा. नाउ लास्ट अब कौन सा मिला अभी? मल्टीप्लिकेशन. सो अभी क्या होगा? स्टैक में से ये दो है वो पॉप हो जाएंगे, यानी कि ऑपरेंड 2 है 7, ऑपरेंड 1 है 50. और उसके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 350. तो 350 ये स्टैक में है और इसको आप क्या करेंगे? ये हमारा फाइनल रिजल्ट है क्योंकि अभी स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है अभी. सो ये हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? पॉप्ड वैल्यू 350 इज़ द आंसर. ये हमारा आंसर है जो स्टैक में से हम पॉप कर देंगे. अभी दूसरा एग्जांपल है. कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन 752 प्लस मल्टीप्लिकेशन 411 प्लस डिवाइड डिवीज़न एंड माइनस. अभी क्या है? स्टैक एम्प्टी है. पहले क्या करना है? हमको ऑपरेंड्स फाउंड करने हैं यहाँ पे. तो ऑपरेंड कौन सा है यहाँ पे? 7, 5 एंड 2. तो 7, 5 एंड 2 स्टैक में एंटर कर दिए. अभी इसमें क्या होता है? हमको ऑपरेटर से, ऑपरेंड से ही स्टार्ट करना होता है, भले ही आगे कोई ऑपरेटर हो. सो यहाँ पे ऑपरेटर मिल गए हमको, अरे सॉरी ऑपरेंड्स मिल गए 7, 5, 2, वो स्टैक के अंदर हमने ऐड कर दिए. उसके बाद क्या है? रीड. अभी नेक्स्ट कौन सा हमको मिला? प्लस मिला. सो रीड ऑपरेटर प्लस पॉप टू वैल्यूज़ फ्रॉम द स्टैक. ऑपरेटर मिला तो क्या होगा? स्टैक में से दो वैल्यू पॉप होगी. ऑपरेंड 1 इज 5 एंड ऑपरेंड 2 इज 2. ऑपरेटर कौन सा है? प्लस. सो क्या होगा? एडिशन होगा 5 एंड 2 के बीच. तो 5 + 2 इज 7. नाउ दूसरा कौन सा है? आगे हम स्ट्रिंग में जाते हैं तो हमको मल्टीप्लिकेशन मिलता है. सो रीड ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन पॉप टू वैल्यूज यानी कि 7 एंड 5. ऑपरेंड 2 इज 7, ऑपरेंड 1 इज 5. परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बिटवीन देम. सो 7 × 5 इज इक्वल टू 49. सो यहाँ पे क्या होगा? हमको 7 × 5 मिला. सो पॉप टू वैल्यूज फ्रॉम द स्टैक यानी कि ये 7 है और दूसरा कौन सा है? ये भी 7 है, ठीक है.
सो आंसर क्या मिलेगा हमको, 49। अभी क्या है, यहाँ पे भूल से यहाँ पे 5 लिख दिया है, यहाँ पे 7 है, सो यहाँ पे 7 ही है, 5 कंसिडर मत करना, यहाँ पे 7 ही कंसिडर करना, ठीक है। सो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। अभी क्या मिलेगा हमको, ये मिला, फिर से हमको ऑपरेटर्स मिले, सॉरी ऑपरेंड्स मिले, 4 1 1। सो वो क्या करेंगे, 49 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 4 1 1 ऐड हो जाएंगे। अभी क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो अब क्या होगा, जो भी दो टॉप टॉप के ऑपरेंड्स है उसके बीच में एडिशन परफॉर्म होगा, यानी कि ऑपरेंड 1 1 एंड ऑपरेंड 2 1, उसके बीच में एडिशन परफॉर्म होगा, हमको आंसर क्या मिला, 2 4 एंड 49 एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट इज डिवीजन, फिर से हमको ऑपरेटर मिला, तो स्टैक के अंदर जो दो टॉप एलिमेंट्स है उसका क्या होगा, उसके बीच में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, आंसर यहाँ पे हम पुश कर देंगे। अभी क्या है, फिर से लास्ट में माइनस, यानी कि वो ऑपरेटर है, सो फिर से स्टैक में से दो ऑपरेंड है वो पॉप हो गए, उसके बीच में क्या होगा, सब्स्ट्रिक्शन होगा, यानी कि 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। सो ये अभी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है, माइनस के बाद में कुछ भी नहीं है, तो हमको क्या आंसर मिला, 47। तो ये वैल्यू पॉप हो जाएगी, यानी कि ये पॉप्ड जो वैल्यू है 47 इज द आंसर। नाउ रिकर्सन, सो रिकर्सन विच इज़ वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक लाइक प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। सो अ प्रोसीजर दैट कंटेन्स अ प्रोसीजर कॉल टू इटसेल्फ और अ प्रोसीजर कॉल टू सेकंड प्रोसीजर विच इवेंचुअली कॉजेज द फर्स्ट प्रोसीजर टू बी कॉल्ड इज नॉन एज रिकर्सिव प्रोसीजर। मतलब एक फंक्शन अगर खुद को बार बार एक फंक्शन है वो अगर खुद को बार बार कॉल करता है, या फिर एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे दूसरे फंक्शन हैं जिस फंक्शन के द्वारा हम लोग इवेंचुअली मतलब फिर से वो पहला वाला फंक्शन ही कॉल करेंगे। सो बेसिकली फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है तो उसको बोला जाता है रिकर्सिव फंक्शन। एंड जो प्रोसेस है, ये ऑपरेशन है पूरा रिकर्सिव का, उसको क्या कहेंगे, रिकर्शन। मतलब एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करना, उसको रिकर्शन बोला जाता है। सो टू इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर एनी रिकर्सिव प्रोसीजर्स, फर्स्ट इज ईच टाइम अ प्रोसीजर कॉल्स इटसेल्फ इट मस्ट बी नियरर इन सम सेंस टू अ सॉल्यूशन। मतलब जब प्रोसीजर कॉल है, जो भी फंक्शन है मेन फंक्शन, वो अगर कॉल होता है सो क्या होगा, वो किसको कॉल करेगा, उसको जो लास्ट फंक्शन है जिसके जिस रूट का आंसर मिलने वाला है फाइनल फंक्शन, वो उसका सॉल्यूशन होगा। सो देयर मस्ट बी अ डिसीजन क्राइटेरियन फॉर स्टॉपिंग द प्रोसेस और कंप्यूटेशन। मतलब लास्ट में मेन फंक्शन है वो वही फंक्शन को कॉल करेगा जिसके थ्रू उसको आंसर मिलेगा, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट होगी। सो टू टाइप्स ऑफ रिकर्सन, वन इज प्रिमिटिव रिकर्सन, सो दिस इज द रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन, फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल फंक्शन इज द एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव रिकर्सन। एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव रिकर्सन, सो दिस रिकर्सिव यूज फॉर ऑफ प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल फाइंड जीसीडी ऑफ गिवन टू नंबर्स। सो अब देखते हैं अल्गोरिदम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन। सो सपोज फैक्टोरियल किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे अभी कि फैक्टोरियल ऑफ 3, हमको 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अगर फैक्टोरियल ऑफ 2 यानी कि 2 का फैक्टोरियल फाइंड करें, 2 इज इक्वल टू 2 × 1। अगर 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सो यहाँ पे 3 का क्या होगा, 1 × 2 × 3, सो आंसर क्या होगा, 6। सो फैक्टोरियल फंक्शन यूजिंग रिकर्शन
सो एफ एन इज इक्वल टू एन व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो और वन, यानी कि फंक्शन एन, यानी कि एन की वैल्यू वन, फंक्शन एन वन तब होगा जब जो एन है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर वन होगी, यानी कि नंबर ज़ीरो होगा या वन होगा. एंड एफ एन इज इक्वल टू एफ इंटू एन माइनस वन व्हेन एन इज ग्रेटर देन वन, यानी कि एफ एन फंक्शन एन माइनस वन तब होगा जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, तभी हमको उसका फैक्टोरियल मिलेगा जब एन यानी कि नंबर एक से ज़्यादा होगा. सो इफ़ द वैल्यू ऑफ एन इज़ आइदर ज़ीरो और वन द फैक्टोरियल रिटर्न इज वन. इफ़ द वैल्यू ऑफ एन इज़ ग्रेटर देन वन वी कॉल द फंक्शन विथ एन माइनस वन वैल्यू. जब हमको एक से ज़्यादा मिलेगी एन की वैल्यू तब हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, एन माइनस वन वैल्यू के साथ उसको वो फंक्शन कॉल करेंगे. सो दिस इज एल्गोरिदम. सो गिवन इंटीजर नंबर एन, यानी कि जो भी इंटीजर नंबर होगा वो एन होगा, द अल्गोरिदम कॉम्प्यूट्स फैक्टोरियल ऑफ एन. ये अल्गोरिदम क्या कॉम्प्यूट करता है, हमको क्या फाइंड कर देता है, फैक्टोरियल नंबर ऑफ एन. सो एन कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है. स्टैक एस इज़ यूज्ड टू स्टोर एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड एसोसिएटेड विथ ईच रिकर्सिव कॉल. स्टैक एस क्या होता है, जो भी रिकर्सिव कॉल यानी कि जो भी फंक्शन कॉल होगा उसका जो भी रिकर्सिव वैल्यू होगा उसका रिकॉर्ड रखेगा स्टैक. टॉप इज़ द पॉइंटर ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक एस. जो हमने आगे भी देखा है कि टॉप क्या होता है, स्टैक के अंदर जो टॉप एलिमेंट होता है, टॉप पॉइंटर होता है, वो होता है टॉप, TOP. ईच एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंटेन्स द करंट वैल्यू ऑफ एन एंड द करंट रिटर्न एड्रेस RETADDE. यानी कि जो भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड कौन सा, फंक्शन कॉल का, वो क्या होता है, वो क्या कंटेन करता है, क्या रखता है, करंट वैल्यू ऑफ एन. जो भी करंट वैल्यू होगी, करंट नंबर होगा वो, और वो क्या रिटर्न करेगा, वो करंट रिटर्न एड्रेस रिटर्न करेगा. टेम्प REC इज ऑल्सो रिकॉर्ड विच कंटेंस टू वेरिएबल्स. टेम्प रिकॉर्ड है वो क्या कंटेन करता है, परम एंड एड्रेस. सो हियर इनिशियली रिटर्न एड्रेस इज सेट टू द मेन कॉलिंग एड्रेस. जो भी एड्रेस रिटर्न होगा लास्ट में वो कौन सा रिजल्ट कहलाएगा, मेन कॉलिंग एड्रेस, यानी कि जो मेन फंक्शन से कॉल हुआ है वो वाला रिजल्ट. सो परम इज सेट टू इनिशियल वैल्यू एन. यहाँ पे जो परम है वो क्या है, वो क्या होगा, इनिशियली सेट होगा एज अ एन. नाउ द अल्गोरिदम फैक्टोरियल. सो सेव एन एंड रिटर्न एड्रेस. जैसे कि हमने देखा गिवन इंटीजर नंबर इज एन. सो क्या करेंगे हम, जो जिस नंबर का भी फैक्टोरियल फाइंड करना है उसको हम सेव करेंगे और उसका एड्रेस रिटर्न करेंगे. मिस कॉल पुश. पुश क्या करेंगे, अभी कुछ फंक्शन कॉल करेंगे हम, उसमें क्या होगा, स्टैक में टॉप लेवल पे कौन सा होगा, टेम्प रिकॉर्ड. टेम्प रिकॉर्ड कौन सा है, विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स, पैरामीटर एंड एड्रेस. सो ये जो फैक्टोरियल है एन का उसका एड्रेस रिकॉर्ड करेगा. इज द बेस क्राइटेरियन फाउंड, मीन्स अगर हमको उसका फैक्टोरियल मिलता है कि नहीं, अगर हाँ यानी कि अगर एन की वैल्यू वो एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, और एन अगर ज़ीरो होगा तो क्या होगा. तो अगर एन ज़ीरो है, ठीक है, सो क्या होगा, फैक्टोरियल इज वन. ठीक है, गो टू स्टेप फोर. स्टेप फोर कौन सा है, अगर एन ज़ीरो है तो उसका फैक्टोरियल क्या, कौन सा मिलेगा, एक ही मिलेगा, अभी ज़ीरो ही. सो क्या होगा, जो भी हमको टेम्प रिकॉर्ड मिला है वो क्या होगा, पॉप हो जाएगा टॉप लेवल पे से. ठीक है, फॉर एग्जांपल पैरामीटर एंड एड्रेस, रिटर्न एड्रेस एंड गो टू एड्रेस. एल्स अगर वन से, एन की वैल्यू वन से ज़्यादा है, पैरामीटर की वैल्यू एन से ज़्यादा है, तो क्या होगा, एड्रेस कहाँ पे करेगा, अभी वो स्टेप कौन से जाएगा, स्टेप नंबर
थ्री पे जाएगा। स्टेप नंबर थ्री कौन सा है? फैक्टोरियल। अभी हमको क्या करना है, एन इंटू फैक्टोरियल यानी कि जो नंबर ऐड हुआ है उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। देन स्टॉप स्टेप फोर इज हमने आगे देखा रिस्टोर द प्रीवियस एन एंड रिटर्न द एड्रेस यानी कि जो हमने एंटर किया है नंबर एन वाला उसका एड्रेस वो स्टोर करेगा और फिर उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। सो एग्जाम्पल के थ्रू इस ये फैक्टोरियल एल्गोरिदम को हम समझते हैं। सो एंटर लेवल वन मीन्स मेन कॉल, मेन फंक्शन कॉल। सो स्टेप वन क्या होगा, पुश एस यानी कि स्टैक के अंदर अभी टॉप लेवल कौन सा है, जीरो है, ठीक है। वैल्यू कौन सी है हमारा, इंटीजर नंबर कौन सा है, टू, यानी कि हमको किसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, टू का। सो क्या होगा, यहाँ पे मेन एड्रेस है वहाँ पे टू ऐड हो जाएगा फ्रॉम इन द टॉप ऑफ द स्टैक। अभी ये अगर एन डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि ये ज़ीरो नहीं है ये टू है तो क्या होगा, रिटर्न टू स्टेप थ्री। स्टेप थ्री कौन सा था हमारा, फैक्टोरियल फाइंड करने का। सो अभी एन की वैल्यू है वो वन से ज़्यादा है सो पैरामीटर रिटर्न कौन सा करेगा, एन माइनस वन इंटू वन। एन का कौन सा है अभी, यहाँ पे टू है सो टू माइनस वन क्या हुआ, वन इंटू वन। यानी कि अगर टू का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो कैसे होगा, टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू इंटू वन इंटू ज़ीरो, सॉरी टू इंटू वन। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे एन ऐड होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको क्या मिली, वन। यहाँ पे एन हमको एन माइनस वन इंटू वन इज इक्वल टू वन एंड वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। सो यहाँ पे एन की वैल्यू वन हुई, ठीक है। सो स्टेप टू क्या होगा, अभी हमको पता है कि ये भी वन है वो क्या है, वन से ज़्यादा है, ठीक है यहाँ पे। सो स्टेप थ्री कौन सा है, फिर से हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। सो अभी क्या होगा, ये तो मेन एड्रेस है ही, अगर अभी वन क्या होगा वो स्टेप थ्री में जाएगा। स्टेप थ्री कौन सा है, फैक्टोरियल फाइंड करना है हमको। नाउ पुश एस टू एन इज इक्वल टू ज़ीरो स्टेप थ्री। अभी क्या होगा, एन इंटू वन, टू इंटू वन तो हो गया, अभी उसके बाद कुछ है नहीं तो फाइनली हमको क्या मिल गया, एन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो फैक्टोरियल अभी कौन सा मिला हमको, वन, ठीक है। सो अभी स्टेप थ्री कहाँ, स्टेप थ्री का यहाँ पे ऐड कौन सा हो जाएगा, ज़ीरो। सो अभी क्या होगा, पॉप ए थ्री एंड गो टू स्टेप थ्री। सो अभी हम क्या करेंगे, रिटर्न टू लेवल टू। हमको अभी फैक्टोरियल मिल गया है सो इस फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया। अब वापस से हमको स्टेप ज़ीरो तक आ गए क्योंकि टू इंटू वन इट्स इक्वल टू टू, ये फाइनल हमको फैक्टोरियल मिल गया है। तो अभी क्या होगा, हम वापस से रिटर्न जाएंगे। सो हम जो ये लास्ट वाला फंक्शन है अभी ये कॉल किसको करेगा, इसको कॉल करेगा। सो हमको ये मिला अभी, ठीक है। अभी हम लेवल टू पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम फिर से उस फंक्शन को कॉल करेंगे। सो अभी क्या होगा, फैक्टोरियल वन इंटू वन और जो भी आंसर मिलता है उसको क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे। सो अभी वो पॉप हो गया तो अभी कौन सा बचा, मेन एड्रेस टू, रिटर्न टू लेवल वन यानी कि अभी फाइनली मेन फंक्शन है वो क्यों इसको कॉल करेगा, इसको यहाँ पे कॉल करेगा। सो स्टेप थ्री फैक्टोरियल टू इंटू वन, सो पॉप ए वन एंड गो टू मेन एड्रेस। सो अभी टॉप क्या हो गया, ज़ीरो हो गया यानी कि ये जो है टॉप एड्रेस यानी कि टॉप लेवल पे जो भी एलिमेंट है वो पॉप हो गया, उनको आंसर मिल गया। थैंक यू।